है। आज प्रदेश के 27 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश का अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। तो अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ के लिए येलो अलर्ट। कोटा, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है और इन सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आपको बता दें कि 27 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इन दिनों लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता प्रशांत, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, मौसम विभाग की तरफ से 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, साथ ही जरा भी बताएं क्या हालात नजर आ रहे हैं। जिलों में, यानी अन्यथा जो है कई जिलों में ये घोषणा की हुई है या अलर्ट जारी किया है, मगर मुख्यतः तीन जिलों में, राजस्थान के तीन ऐसे जिले हैं जिसमें हाई अलर्ट किया हुआ है, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा। इनमें जो है 13 और 14 अगस्त यानी दो दिन के लिए अति भारी बारिश और भारी बारिश के लिए संभावना व्यक्त करते हुए अलर्ट जारी किया था। मगर बताना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर में अभी जो स्थिति इस प्रकार है कि हालांकि बारिश देखने को मिल रही है, मगर बारिश में जो है बूंदाबांदी या रिमझिम बारिश कह ले कि ऐसी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि जो है अल सुबह ही आज मौसम विभाग ने एक और जो है जानकारी देते हुए ये बात साफ की है कि न केवल जयपुर में बल्कि जयपुर शहर सहित जयपुर ग्रामीण, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, बारा, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर और कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि जो है इन जिलों में कहीं कहीं पर तेज बारिश और रुक रुक कर बारिश आने की संभावना जताई है। तो वही बताना चाहूंगा कि अब राजधानी जयपुर में हालांकि मौसम है जो सुबह से सुहावना हो रहा है, यहाँ पर काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, मगर रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अभी जो है स्थिति तेज बारिश की नहीं है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।